नमस्कार, मेरा नाम जनीशा जैन है। मैं DLF कैपिटल स्क्रीन्स में रहती हूँ। 2018 में मैंने ये टिफिन का काम शुरू किया था और ये काम मैंने अपने शौकिया तौर पे शुरू किया, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पर सारे लोग नए आए थे और सभी मेरे घर में आना जाना, सभी फ्रेंड का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हम लोग किटी पार्टी और एक दूसरे का बर्थडे वर्थडे सब मनाते थे हम। तो जैसे ही मैं कुछ नई नई चीज़ मतलब बनाने का शौक़ था तो नई चीज़ उनको बनाते मैं देती थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। सभी आके बोलते थे, जनीशा जी क्या खाना बनाया, बड़ा मज़ा आ गया है, आप इस काम को आगे तक लेके जाओ। फिर मैं सोचती थी, यार ऐसा क्या बनाया है जो इनको अच्छा लग रहा है। और मैंने ऐसे ही धीरे धीरे शुरू किया भाई खाना देना करना। तो मेरी फ्रेंड्स आके मुझे बार बार बोलती थी, जनीशा तुम इस पे कुछ सोचो, ये अच्छा है। तो एक दिन मेरे पास इंटरकॉम आया मेरी फ्रेंड का, बोली जनीशा मैं बाहर जा रही हूँ, दिल्ली से बाहर जा रही हूँ 10-15 दिन के लिए, तो यहाँ पर कोई टिफिन सर्विस है, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए खाना चाहिए, बाहर का खाना मैं खिला नहीं सकती उनको। मैंने कहा कि टिफ़िन सर्विस की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं दे दूँगी, कोई बात नहीं, जैसे मेरे बनता है घर में वो मैं भैया को दे दूँगी। तो बोली ठीक है, कोई आप दे देना। वो क्या, मैंने फिर उसको देना शुरू कर दिया टिफ़िन। तो एक दिन भैया का कॉल आया कि जनीशा जी मज़ा आ गया खाना खा के, ऐसा नहीं लगा कि मैं खाना घर का नहीं खा रहा, बड़ा मुझे हाइजीन खाना लगा और इतना बढ़िया खाना था कि आप विश्वास नहीं करोगे, और मैं चाहता हूँ कि आप ना भाभी इस खाने को लेके जाओ आगे। मैंने कहा कि कहाँ लेके जाऊँ भैया। बोले नहीं आप, क्योंकि सोसाइटी में रोज़ नए नए लोग आ रहे हैं, उनको खाने की बड़ी ज़रूरत है, तो आप ये काम आगे तक करो आप। फिर मैंने सोचा भाई मेरी फ्रेंड सर्कल भी बोल रही है और ये भैया भी कह रहे हैं, तो चलो शुरू कर ही देती हूँ कुछ काम आगे बढ़ाने के लिए। कहते ना भगवान का नाम लेके मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब वो भैया एक दिन पार्क में चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने अपने दोस्त से बोला कि ऐसे जनीशा है रहती है यहाँ पर और बहुत अच्छा खाना बनाती है, कभी ज़रूरत हो तो लेके देखना। तो उन्होंने एक यहाँ पर कोई शिफ्ट हुआ, उन्होंने मंगवाया खाना कि जनीशा जी मुझे खाना दे दो आप, ऐसे ही मैंने उनको दिया। तो वो बोले कि इसके पैसे आप पैसे बताओ। मैंने कहा भैया इसकी मैं क्या पैसे लूँगी, मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, मैं तो ऐसे ही आप सेवा के लिए कि चलो किसी का पेट भर जाएगा। वो बोले नहीं नहीं, बोले कि बिना पैसों के तो अन भी अंग नहीं लगता। फिर मैंने कहा अच्छा भैया चलो ठीक है, आप इसके आप 70 रुपये ही दे दो। तो बोले बस इतने? मैंने कहा बस हाँ भैया इतनी लागत है बस मेरे लिए। इसी से ही मैंने वो उसका रेट निकाला, उन्हें टिफिन सर्विस का रेट निकाला 70 रुपये। और जब से मेरा काम और इसी से यहीं से स्टार्ट हुआ, और आज पहले इतना काम था, आज मेरा इतना काम हो गया है, केवल इस टिफ़िन सर्विस की वजह से ही इस सोसाइटी में मेरा नाम हुआ। और आज मैं टिफ़िन सर्विस ही क्या, मैं कैटरिंग भी करती हूँ, पंजाबी बाग, नोएडा, कीर्ति नगर, उनके भी मैं 50-60 लोगों और यहाँ तक कि 100 लोगों का भी आराम से खाना बना लेती हूँ। केवल किससे, एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि आप वो काम कर सकते हो। और मैं सभी से ये कहूँगी कि अगर मान लो आप ये काम या कोई और काम आप शुरू करना चाह रहे हो तो आप उस काम को लेट ना करें। आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा और सबसे पहले आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप वो काम कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक जुनून था करने का कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि मैं अधिकतर देखती थी कि कोई जॉब कर रहा है, कोई दुकान संभाल रहा है अपनी, कोई अपने हस्बैंड के साथ जा रहा है, तो मुझे भी लगता है यार मैं भी तो करूँ कुछ ना कुछ। अब जब भगवान ने कुछ अपना जीवन दिया है, कुछ ना कुछ के लिए तो जिया ही ना, कि हर लोगों के लिए कुछ मैं मिसाल बनूँ कि हाँ इसने भी कुछ किया, नहीं तो ऐसे ही है घर में, घर की मुर्गी दाल बराबर, बच्चे भी कदर नहीं करते थे, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए थे और मेरे पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं इतनी। तो फिर मैंने ये शुरू किया और आज मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और सेकंड बात ये कहूँगी कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप अपनी किचन से ही शुरू कर सकते हैं। केवल इसके लिए आपको कुछ टिफ़िन की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने शुरू में 10-12 टिफ़िन ही खरीदे थे,
क्योंकि मुझे बस ये था कुछ करना है, इसलिए मैंने सोचा पहले 10-12 ही लेती, फिर बाद में इसको मैं और ज़्यादा ले लूँ। तो आप भी कुछ टिफिन खरीद के ये काम शुरू कर सकते हैं, और रोज का मेन्यू रोज फिक्स करें। आप मेन्यू एक सा ना रखें कि आप सोचो कि संडे को कड़ी चावल दूँ, मंडे को राजमा चावल दूँ। इससे जो है ना, जो आपका डेली का ग्राहक है आपसे खाना ले रहा है, वो बोर हो जाएगा कि बाई चांस को संडे को कुछ और खाना हो। तो फिर तो और एक ये है कि अगर बाई चांस आपके पास किसी का फ़ोन आता है कि आपने क्या बनाया है, आप ये कह सकते हो कि भैया ये बनाया है, तो बोले भाभी मुझे ये नहीं खाना, तो आप उनसे ये पूछो कि आपको चाहिए क्या। तो वो कहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उनसे बोलो कि प्लीज़ 15 मिनट आप रुकिए, मैं आपको वो खाना दे दूँ। जरूरी बात है कि आप पहले अपने ग्राहक का मन देखें कि उसका मन क्या है खाना। ये नहीं अपनी ही आपने थोप दिया और बोल दिया कि नहीं जी हम बना नहीं सकते, तो इससे नहीं चलता। जैसे आपके बच्चे कहते हैं ना कि हम नहीं खा रहे खाना मम्मी, हमें तो ये चाहिए, तो आप अपने बच्चों के लिए बनाते हो, तो ग्राहक आपके बच्चे के समान है, क्योंकि आप खाना दे रही हो, आप एक माँ हो उनके लिए। तो माँ का फर्ज क्या है? बच्चों को, बच्चों की इच्छा को पूरा करना। तो यही मेरा काम था, मेरा हमेशा ये रहता कि अच्छा आप क्या खाओगे, चलो ये पसंद नहीं तो भैया मैं ये बना देती हूँ, यदि मैं ये बना देती हूँ, तो वो इतनी बातों में खुश होते थे, जनीषा जी आप ये भी बना दोगे। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे ही सोसाइटी में एक बच्चे को लूज मोशन लग गया, और उस दिन मैंने दाल मखनी और शाही पनीर बनाया हुआ था, उनके भैया का फ़ोन आया 10 बजे, बोले जनीषा ऐसा है क्या बनाया हुआ है। मैंने बोला भैया ये बनाया, बोले नहीं मेरे बेटे को तो तबीयत ख़राब है, आप कर्ड राइस बना सकते हो। मैंने कहा कोई नहीं अभी बना देती हूँ, केवल 10 मिनट का मुझे आप टाइम देना। बोले 10 क्या, आप 20 मिनट लीजिए। मैंने उनको कर्ड राइस बना के भेजा और वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि मैं मेरे बच्चे को दिन में भी खिलाया और रात को भी वही खाना खिलाया, इतने बढ़िया बने थे, इतना फ्रेश बना हुआ था। कि आपके खाने में यही तो बात है कि आप फ्रेश और हाइजीन खाना देती हो, और मन करता है बच्चे को खाने, उसने बोला पापा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उस चीज़ से उसको फ़र्क भी पड़ा। तो यही है कि आप मेन्यू फिक्स ना करके अपने ग्राहक का मन देखें कि उसका उसको क्या खाने में अच्छा लगता है, वो भी आप बनाए। आपने जो बनाया वो तो बात अलग है, लेकिन उसकी भी तो सोचें। इसमें आप ये देखो कि इस काम में आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें पैम्फलेट डलवाओ, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट डलवाओ, ऑनलाइन से करो, और आजकल तो फेसबुक भी हो गया है, इंस्टाग्राम भी हो गया है, तो उसमें अपना कोई पेज वेज बनाओ। मेरे जब मैंने 2018 में ये काम शुरू किया तो मैं व्हाट्सएप तो जानती थी, लेकिन फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम में नहीं थी। मेरा तो वैसे ही काम हो गया था कि एक दूसरे ने मुझे, एक ने बोला दूसरे ने बोला, तो इसी से मेरी वो मार्केटिंग हो गई है। लेकिन अब आप आगे ये है कि आप अपना काम सोसाइटी में, कई लोग सोसाइटी में होते हैं तो सोसाइटी में एक दूसरे से पता चल जाता है, लेकिन आज कल के लोग कई बार नहीं होते, कोई सोसाइटी में नहीं रहता है, तो उसके लिए है कि आप न्यूज़पेपर में पैम्फलेट डलवाओ, ऑनलाइन से करो, और अपना कोई पेज वेज बनवाओ, तो ये आपका काम बहुत अच्छी तरह चलेगा। और फिर इस खाने की पैकिंग पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पैकिंग आपकी बेटर होनी चाहिए और सुंदर लगनी चाहिए, इसमें ज़्यादा कलर वलर ना यूज़ करें, इसके अंदर पैकिंग के अंदर क्लीन साफ सुथरा हाइजीन आपका दिखना चाहिए, और उस चीज़ को सैनिटाइज, क्योंकि आजकल कोरोना का बड़ा चक्कर है, तो आपको इसको बड़ा ध्यान से पैक करना होगा। और जैसे कि आप देखते हो कि हल्दीराम और बीकानेर वालों की पैकिंग में लोग कंपेयर करते कि भाई इसका बड़ा अच्छा लग रहा है इसका, फिर क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। तो यही बात है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा आपको इसमें लगाना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ी सी तो अमाउंट इसके अंदर लगाना पड़ेगा, और इसमें कुछ परेशानियाँ भी आती हैं, जैसे मेरे साथ तो अक्सर आती रहती थी, क्योंकि एक परेशानी होती है कि डिलीवरी टाइम पर देना, और मेरे साथ थोड़ा सी प्रॉब्लम ये थी कि जब मेरे पास डिलीवरी बॉय नहीं था, क्योंकि मैंने काम खुद अपने से शुरू किया था, तो मैंने कोई स्टाफ नहीं रखा था। तो जैसे मैं जाती थी, ये 1:30 का टाइम होता था, तो मेरा खाना 2:15 2 बजे पहुँच जाता था, तो पूछते थे जनीषा जी अभी तक खाना नहीं आया है, तो मैं कहती थी भैया बस मैं रस्ते में मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अकेली तुझे स्कूटी पर ले के आना, लेके जाना। अरे मैं जैसे ही घंटी बजा तो कहते अरे आप आए हो,
मैंने कहा भैया सॉरी थोड़ा देर हो, बोले कोई नहीं कोई बात नहीं, हमें खाना तो मिल गया टाइम से, कोई बात नहीं आगे से। मैंने कहा कि आगे से आपको जरूर मिलेगा खाना। तो फिर अब ये है कि मेरे पास अब डिलीवरी बॉय मैंने रखा हुआ है, मेरे मेड भी आती है, अब वो खाना थोड़ा टाइम पर चलेगा, ये शिकायत। और लेकिन हाँ उस पर जैसे आपको अगर ग्राहक आपको बोल रहा है कुछ, आपको बता है, तो आप उसे सुने, ये नहीं कि आप बहसबाजी शुरू कर दें तो वो काम नहीं चलता। आप चुप रहे, आपकी गलती है तो आप चुप रहे, इसमें ये थोड़ी आप आएगी थोड़ा सा खाने में लोग बोलेंगे, थोड़ा कोई कोई आदत होती है कि भाई इसमें थोड़ी कमी है या ये कमी, तो आप बोली हाँ भैया नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा मिलेगा, बढ़िया दूंगी और हाइजीन और स्वाद से भरपूर खाना दूंगी, ये आपको बोलना होगा। तो देखना आपका भगवान ने चाहा बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। मैं सभी से ये कहूँगी कि सबसे बढ़िया बात यह है कि खाने को आप फ्रेश और प्यार से बनाएं और ताज़ा सब्जियों से बनाएं, और यही है कि आप जिस मन से जिस भाव से आप उस खाने को बनाओगी वो ही हमारे शरीर में लगता है। जैसे कि आप अपने परिवार के लिए खाना गीत मन गीत गा के बनाते हैं, और एक तरफ होता है गुस्से में बना रहे हैं, तो आपको कौन सा खाना अच्छा लगेगा, गुस्से वाला ये वाला, क्योंकि उसमें भाव कौन सा आया, गुस्से वाला, उसमें या तो आपकी सब्जी में कुछ गड़बड़ होगी, और एक जो मन से बना रहे हैं वो खाने में चाहे नमक भी कम हो फिर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये है कि अंत में ये कहूँगी कि खाने को प्यार से बनाए, दिल से बनाए, तो आपका खाना कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी आपका खाना अच्छा नहीं है। और ये जैसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो इसलिए ये है कि आप प्यार से जुनून से और आत्मविश्वास से ये काम शुरू कर दें आज से ही। जो ये सोच रहे हैं कि मुझे करना है, तो आप आज से सोचो मत, उठो और ये काम आप शुरू कर दें।